नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों जून 2024 के महीने में आ चुकी है बम्पर भर्तियां। तो दोस्तों, इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं जून 2024 के महीने में आई हुई सरकारी नौकरियों की। दोस्तों, टोटल पोस्ट रहने वाली 11,500 प्लस आपकी पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों, 5 सरकारी नौकरियों के फॉर्म अप्लाई होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, इनमें से कुछ वैकेंसियां ऐसी है जिनमें किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होने वाली, यानी कि सीधी भर्ती है। दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, एज लिमिट 18 से 50 ईयर रहने वाली है। दोस्तों, अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन या इनमें से कम आपने एक भी क्वालिफिकेशन की है, तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और हमारे इस वीडियो को अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास साझा जरूर करें, जिससे कि हमारे इस वीडियो का बेनिफिट आप अपने यार दोस्तों और मित्रों को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं जून भर्ती 2024 में फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। दोस्तों, इन सब के बारे में अधिक इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यानी कि UP SSC। दोस्तों, बात करें कितनी पोस्ट आई हुई है, पोस्ट है 4016। दोस्तों, जूनियर इंजीनियर यानी कि JE सिविल की वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, बात करें योग्यता की, योग्यता दोस्तों डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग UP SSC PET 2023 का स्कोर कार्ड भी आपके साथ में होना अनिवार्य है। दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, मिनिमम एज 18 ईयर, मैक्सिमम एज 40 ईयर और दोस्तों नियमों के अनुसार इसमें छूट मिलने वाली है, यानी कि OBC को 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। दोस्तों, बात करें फॉर्म अप्लाई होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 7 जून 2024 से रहने वाली है, यानी कि दोस्तों जो भी इच्छुक कैंडिडेट है ये 7 जून 2024 से पहले पहले फॉर्म अप्लाई जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, ₹25 ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ₹25 रखा गया है। दोस्तों, बात करें सैलरी की, सैलरी ₹9,300 से लेकर ₹1,12,400 पर मंथ प्लस अलाउंस रहने वाला है। दोस्तों, फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगली वैकेंसी है बिहार ग्राम स्वरोज योजना सोसाइटी। दोस्तों, बात करें कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, 6,570 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, अकाउंटेंट कम ITI असिस्टेंट। दोस्तों, इनका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों वहां से डायरेक्ट फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें योग्यता की, योग्यता BCOM MCOM या CA या इनमें से कम आपने एक भी क्वालिफिकेशन की है, तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, वह भी मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 45 ईयर। दोस्तों, बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 48 ईयर। दोस्तों, बात करें लास्ट डेट की, लास्ट डेट 9 जून 2024 रहने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, ₹250 से लेकर ₹500 तक आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। दोस्तों, बात करें सैलरी की, सैलरी ₹20,000 पर मंथ रहने वाली है। दोस्तों, फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी डिटेल दे रखी है, जनरल के लिए 1643 है जिसमें से मेल है 1068 और फीमेल के लिए 575 पोस्ट रहने वाली है। EWS के लिए टोटल पोस्ट है 657, SC के लिए 1313, ST के लिए 131, EBC के लिए 1643 और BC के लिए 1183 पोस्ट रहने वाली, टोटल पोस्ट हो गई 6570 पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है जनरल EWS BC एंड EBC के लिए फॉर्म फीस है ₹500 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए ₹250, SC ST के लिए ₹250 और फीमेल के लिए भी ₹250, फीमेल एंड PWD कैंडिडेट के लिए ₹250 रखा गया है। दोस्तों, यह है एज में छूट। दोस्तों, UR के और EWS के लिए 45 ईयर, UR फीमेल और EWS फीमेल के लिए 48, BC और EBC के लिए मेल एंड फीमेल के लिए 48 ईयर, SC ST के लिए मेल एंड फीमेल के लिए 50 ईयर, यानी कि दोस्तों OBC को 3 साल की छूट मिली है और SC ST को 5 साल की छूट मिली है। दोस्तों, यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के बाद में अच्छी तरीके से चेकआउट करना है और उसके बाद में ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है। अगली वैकेंसी है हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा। दोस्तों, बात करें कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, 147 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, बात करें किस पोस्ट पर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिस यानी कि ASO की पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। बात करें योग्यता की, योग्यता ग्रेजुएशन पास रखा गया है, यानी कि दोस्तों आपने ग्रेजुएशन किया है तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल है। दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, मिनिमम एज है 21 ईयर और मैक्सिमम एज है 32 ईयर, नियमों के अनुसार इसमें छूट भी मिलने वाली है। दोस्तों, बात करें फॉर्म अप्लाई की, दोस्तों फॉर्म अप्लाई होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 20 मई 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 18 जून 2024 रहने वाली है। दोस्तों, बात करें एप्लीकेशन फीस की, एप्लीकेशन फीस ₹500 पर कैंडिडेट रहने वाले हैं। बात करें सैलरी की, सैलरी ₹35,400
से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ रहने वाली है। दोस्तों फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया गया द हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा, और दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी डिटेल भी दिया गया है, यानी कि जनरल के लिए 70 पोस्ट है, SEBC के लिए 5 पोस्ट है, ST के लिए 57 पोस्ट है, SC के लिए 15 पोस्ट है, और दोस्तों PWD के लिए 6 पोस्ट है, अक्स सर्विस मैन के लिए 4 पोस्ट है, और स्पोर्ट पर्सन के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। टोटल 147 पोस्ट है। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ से दोस्तों अच्छी तरीके से इसे चेकआउट करना है और उसके बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगली वैकेंसी है इंडियन आर्मी के लिए, दोस्तों पोस्ट रहने वाली है 90 पोस्ट। दोस्तों 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, दोस्तों बात करें योग्यता की, 12th पास विथ PCM, अपेयर इन JEE मेन्स 2024। दोस्तों बात करें एज लिमिट की, दोस्तों 16.5 ईयर से लेकर 19.5 ईयर के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट डेट है 13 जून 2024 रहने वाली है। दोस्तों ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट को निःशुल्क रखा गया है। दोस्तों बात करें सैलरी की, सैलरी आपकी 56,100 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये रहने वाली है। ऑल इंडिया के अनमेरिड कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। दोस्तों बात करते हैं अगली वैकेंसी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC। दोस्तों बात करें पोस्ट की, 404 पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों बात करें वैकेंसी नेम की, यानी कि किस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA और NA यानी कि नेवल एकेडमी। दोस्तों बात करें योग्यता की, योग्यता 12th पास, यानी कि दोस्तों कम से कम आपने 12th पास भी की है दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप। दोस्तों बात करें योग्यता की, योग्यता 12th पास रखी गई है, यानी कि दोस्तों कम से कम आपने 12th भी पास की है तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल है। दोस्तों बात करें एज लिमिट की, तो दोस्तों 2/1/2006 से लेकर 1/1/2009 के बीच में अगर आपकी DOB है तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों बात करें लास्ट डेट की, लास्ट डेट इसकी 4 जून 2024 रहने वाली है। दोस्तों बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रहने वाली है। बात करें सैलरी की, सैलरी 56,100 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गई थे 15/5/2024 से और लास्ट डेट है 4 जून 2024 रहने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की, आर्मी के लिए 208 पोस्ट रहने वाली है, नेवी के लिए 42 रहने वाली है, और दोस्तों एयरफोर्स के लिए फ्लाइंग की है 92 पोस्ट, ग्राउंड ड्यूटीज टेक के लिए 18 पोस्ट है, ग्राउंड ड्यूटीज नो टेक के लिए 10 पोस्ट है, और दोस्तों नेवल एकेडमी के लिए 34 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 404 वैकेंसी रहने वाली है। दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसे अच्छी तरीके से रीड करना है और उसके बाद में फॉर्म आपको अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पे दिया गया आपके एग्जाम सेंटर, यानी कि कौन कौन सी जगह एग्जाम सेंटर रहने वाला है। अगली वैकेंसी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC में, दोस्तों पोस्ट रहने वाली है 400। दोस्तों कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम 2024। दोस्तों बात करें योग्यता की, ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग डिग्री, या दोस्तों इनमें से कम आपने एक भी क्वालिफिकेशन किया है तो दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की, मिनिमम एज है 20 ईयर, मैक्सिमम एज है 24 ईयर, और दोस्तों नियमों के अनुसार इसमें छूट मिलने वाली है। OBC को 3 साल की छूट, SC/ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। दोस्तों फॉर्म अप्लाई होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 4 जून 2024 रहने वाली है। दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो दोस्तों ऑल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस रखा गया है। बात करते हैं सैलरी की, सैलरी 56,100 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। दोस्तों फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, दोस्तों आप यहाँ से वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए 100 पोस्ट रखी गई है, इंडियन नेवल अकेडमी के लिए 32 पोस्ट रखी गई है, एयरफोर्स अकेडमी के लिए 32 पोस्ट रखी गई है, और दोस्तों बात करें ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी के लिए 276 पोस्ट रखी गई है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई इसके लिए 19 पोस्ट रखी गई है। टोटल पोस्ट हो गई 469 पोस्ट। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसे अच्छी तरीके से चेकआउट करना है और उसके बाद में फॉर्म अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पे दे रखा एग्जामिनेशन सेंटर, इसे भी आप अच्छी तरीके से देखकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी वैकेंसियों के बारे में जानकारी दी है, इनका नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, उन्हें नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी जून 2024 के महीने में आई हुई बंपर भर्तियों के बारे में A to Z संपूर्ण इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ऐसी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे कि जो भी नया वीडियो लेके आऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।